आज कराची के तमाम ताजे रहनुमा मौजूद थे इसमें। कराची के जो बेशतर सरगर्दा रहनुमा हैं, सरगर्दा मार्केटें हैं, उनकी एसोसिएशन है, वो यहाँ मौजूद थी और एक राय अमल हमने बनाया है और मुत्तफ़िका तौर पे जो फैसला किया गया कि कराची की जो कारोबार है वो रात 8 या 10 बजे तक के खुला जाए और हफ्ते में एक दिन छुट्टी अलाउ की जाए और ये जो चालान हो रहे हैं सिंध में जो या कराची में जो चालान हो रहे हैं इसको फ़ौरन रोका जाए। जो पुलिस ज़्यादती करती है ताजरों के साथ, जो उनके साथ जो उनकी FIR काटती है 188 में, उनका क्राइम रिकॉर्ड बनाया जाता है वो रोका जाए। से गवर्नमेंट से करते रहे, दरख्वास्त करते रहे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। तो अब हम जो है एक प्लेटफॉर्म पर और एक जो है एक साथ मुत्तहिद होकर ये फैसला करने पर मजबूर हैं कि हम जो है 72 घंटे में हमारे जो है हमने टाइम दिया गया सरकार को, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेंगे, उसके बाद सरकार हमारे साथ बैठ के हमारे ये जायज मसाइल हल करती है तो ठीक है, वरना फिर एहतजाज भी होगा, हड़ताल भी होगी, हम जो भी कानून रास्ता है धरना भी होगा और जो भी सिलसिला है, क्योंकि हम अपना कारोबार जारी रखना चाहते हैं। एजिटेशन, हड़तालें, धरना और ये सारे समझे के सारे एहतजाज, ये कोई कारोबारी के ताजिरों रहनों का कोई सेवा नहीं है, लेकिन कारोबार खोलने के लिए हमें प्रेशराइज किया जाएगा तो हमारे ताजिर रहनुमा भी मजबूर होंगे, लेकिन एक वक्त और टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड रिजवान भाई ने दिया है कि इस टाइम पीरियड पे सोचा जाए। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ ये सहूलतें दी जाए, हमें ये दिया जाए, हम ये कहते हमें कारोबार दिया जाए। तो रिजवान भाई के क्या इस तरीके से होना चाहिए, अगर आप लोगों को कहा जाता है कि इतने बजे दुकान खोलो, इतने बजे बंद करो, उस टाइम वहाँ पे वो कहा जाता है जिसके MNA MPA को भी मालूम नहीं होता कि यहाँ मेरी हलके में दुकानें कब खुलेगी कब बंद होगी, फिर SHO यहाँ वाले जो भी होते हैं उनको भी मालूम नहीं होगा और ताजिर रहनुमा के जो बड़े सरकर्दा रहनुमा है इनको भी मालूम नहीं होगा। तो आपको बाहमी मशवरे से भी कुछ मसले हल करना चाहिए कि रिजवान भाई आपकी मार्केटें किस टाइम पर आप खोलना चाह रहे हो, क्या करना चाहिए? देखिए एक NCOC में लेना चाहिए, देखिए एक NCOC ने फैसला किया पूरे पाकिस्तान में जो है रात 8 बजे तक कारोबार चल रहा है और उसके बाद जो है पूरे हफ्ते कारोबार है, कोई छुट्टी नहीं है उनकी। तो पाकिस्तान में एक ही कानून चलेगा ना, अलग अलग कानून चलेगा। हम कहते हैं अगर सरकार कहती है कि यहाँ कराची में जो है कोविड हो गया है या जो है कोविड बढ़ गया है, तो सरकार को ऐसा करे कि ये जो है इसको जो है कराची को जो आफत ज़्यादा करार देते, हम टैक्स बंद कर देते हैं देना कराची को भी। कराची वाले कराची टैक्स नहीं देगा ना विभाग को ना सिंध को, अब बंद कर दें कारोबार। हम आप कह रहे हैं ना ये कोरोना बढ़ रहा है तो आपको कारोबार बंद कराना है या कारोबार चलाना है? तो ये सिलसिला जो है हमने बार बार रिक्वेस्ट की सरकार से, हम ये भी कहते हैं कि आप जो है ये 100 रुपये फाइन कर दें सिर्फ मास्क पहनने पर, अगर जो मास्क नहीं पहनता उस पर 100 रुपये फाइन करें, दुकानें बंद नहीं कराएं लोगों की, जो आप जुर्माने करें इसको फ़ौरन ख़त्म करें। लेकिन ये रिजवान भाई ये भी तो देखा जाए ना कि बहुत सी दुकानों पे किस तरीके से सील लगाई जाती है, आप रातों को सोए होते दुकान पे सील क्या बोलते, मैं तो इसको सील नहीं मानता हूँ, सील मैं उसको मानता हूँ तालों पे सील लगा के बंद किया जाए, ये स्टिकर लगा के कोई भी जा सकता है, तो इस तरीके से कोई वो तो नहीं होता कि भाई आपने स्टिकर लगा लिया फोटो कॉपी लगा ली सील हो गया। देखिए इस सिलसिले में जो है ना एक कानून मौजूद है कोविड का ना, पहले हम तमाम ताजिर रहनुमाओं को वो पढ़ना चाहिए कि क्या कानून है आया, कि हमारी मार्केट किस तरह सील कर सकते हैं, ये सील कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आया इनके पर जो है इख्तियार है या ये जुर्माना जो करते हैं ये जुर्माना कर सकते हैं, इतना जुर्माना होता है या इतने दिन मार्केट बंद कर सकते हैं। एक हमें जो है कानून के हिसाब से जो कानून था को बिठाना होगा ताकि एक पता चल सके कि भाई आया ये काम सही भी कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि तमाम अफराद जो है वो तमाम जो कानून दाएँ उससे मशावरत करके भी यह है ये बताया जाए कि हमारे साथ जो है नाजायज रोका जाए और जो कानून के हिसाब से जो बनता है उसके हिसाब से वो कार्रवाई करें। बहुत